आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। बात करेंगे बिग बाजार फ्यूचर रिटेल के बारे में। अमेजन पहुंच गया है सेबी के पास, अब क्या होगा आगे कार्रवाई? क्या आपने अभी तक अपना वोट डाला है? अगर नहीं डाला है तो बहुत जल्दी वोट डालिए। नवंबर 6 से नवंबर 9 तक ई वोटिंग चल रही है फ्यूचर ग्रुप के डील के अप्रूवल के लिए। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर हम बात करें सबसे पहले सेक्शन में, देखिए अमेजन यहां पर अभी अपना अड़ंगा आना चाह रहा है। ई वोटिंग चल रही है, शुरू हो रही है, फाइनल डिसीजन जो होगा 10 तारीख को होगा। पर उससे पहले यहां पर अमेजन कह रहा है कि दिस इज नॉट एज पर कोर्ट रूलिंग, जो सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट ने डील को होल्ड करने की बात की है उसके हिसाब से इनको यहां पर डील को अहेड नहीं जाना चाहिए। बट वोटिंग इज गोइंग ऑन और हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है, शेयर होल्डर्स से जो रिटेल सेगमेंट के हैं, प्लीज वोट एज सून एज पॉसिबल। वंस यू वोटेड आपकी वोट काउंट होके ही रहेगी। देखिए लेंडर्स ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं, दे आर ऑलरेडी इन फेवर एंड दे हैव ऑलरेडी वोटेड इन टर्म्स ऑफ ऑल द बिग लेंडर्स। चाहे आप सेबी की बात, एसबीआई की बात करें आप और बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, तो किसी भी बैंकर की बात करेंगे, वो सारे के सारे इसमें इंटरेस्टेड हैं। यहां पर शेयर होल्डर में इंस्टीट्यूट्स और रिटेलर दोनों ही इंटरेस्टेड हैं ये डील को होने के लिए, तभी इसकी शेयर की वैल्यू इंप्रूव होगी और जितना इसमें नीचे गिरावट आई है वो ऊपर चढ़कर जल्दी ही ऊपर जाएगी। हमने जैसा बताया है वोटिंग की सारी डिटेल आपको भेज दी थी फ्यूचर रिटेल में। यहां पर अभी मल्टी ब्रांड में एफडीआई अलाउड नहीं है, इसकी वजह से अमेजन थोड़ा सा तिलमिलाया हुआ है और उसको सेबी के पास जाने से कोई रोक नहीं सकता है। बट सेबी सुप्रीम कोर्ट का फॉलो करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फाइनल डिसीजन नहीं दे सकते हैं, आप अपनी प्रक्रिया चालू रख सकते हैं, तो इसलिए वोटिंग चल रही है। प्लीज कंटिन्यू टू वोट। और यहां पर इन्होंने सेबी को बोला है अर्जेंट एक्शन लेने के लिए, अदरवाइज उनको कह रहे हैं कि उनके जो एसेट्स की प्लानिंग की है उन्होंने वो सारी की सारी खराब हो जाएगी। तो इसके चलते हुए यहां पर आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, शुरू से आपको पूरे डिटेल के बारे में बताया है यहां पर हमने अपने वीडियो में, आप वोट को जल्दी से जल्दी कीजिए। कुछ दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि बीओआईडी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। देखिए बीओआईडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म किया हुआ है उन्होंने यहां पर एनएसडीएल सीएस सीडीएस में। आपको डीपीआईडी जो कि 8 कैरेक्टर है और बीओआईडी जो कि 8 कैरेक्टर है, दोनों को ऐड करके आपका ये बनेगा बीओआईडी फॉर वोटिंग के रेफरेंस में। और फिर आपको पैन देके आप दोनों को ज्वाइन कीजिए, 16 डिजिट का नंबर आपको मिलेगा और वो है आपकी आईडी यहां पर वोटिंग के लिए। अगर दोस्तों हमारे साथ जुड़ना है तो मेल ड्रॉप कीजिए। 4 वीडियो प्रस्तुत है, जय हिंद जय भारत, बाय गाइस।